नमस्कार दोस्तों, कोर्ट में उपयोग में आने वाले जो कानूनी शब्द हैं उन सब शब्दों की जानकारी हर व्यक्ति को होना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कभी न कभी हमें कोर्ट में जाने का अवसर मिलता है किसी केसेस में, तो वहां की जो शब्दावली है उस शब्दावली की जानकारी जो होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। और इसी कानूनी जागरूकता के लिए, इन्हीं कानूनी शब्दों की जानकारी के लिए एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है जिसका आज चौथा लेक्चर है। इसके पहले तीन लेक्चर्स जो फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स हैं वो हम लोग समझ चुके हैं। जिन भी व्यूअर्स ने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब चैनल लॉ इजी में जाकर देख सकते हैं। आज हम चौथा लेक्चर कवर करेंगे और इस चौथे लेक्चर में भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड लीगल वर्ड्स इन द कोर्ट को आज हम लोग कवर करेंगे, यानी न्यायालय में फ्रिक्वेंटली यानी बार बार उपयोग में आने वाले कुछ ऐसे कानूनी शब्द हैं जिनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम सभी को पता है ये जो लीगल वर्ड्स होते हैं टेक्निकल होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, इनका एक विशिष्ट अर्थ होता है। वह विशिष्ट अर्थ क्या होता है इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी होती है। सो टुडे वी आर कवरिंग कॉमन लीगल वर्ड्स यूज्ड इन द कोर्ट। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाले कॉमन लीगल शब्द यानी कानूनी शब्द। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्थायी व्यादेश। अनेक बार इस शब्द का इस्तेमाल होता है कि न्यायालय ने अस्थायी व्यादेश जारी किया। तो अस्थायी व्यादेश, अस्थायी का मतलब होता है टेम्पररी, इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब होता है व्यादेश यानी स्टे ऑर्डर, यानी न्यायालय ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसमें न्यायालय ने यह कह दिया है कि ये जो फला फला काम है या फला फला जो भी एक्ट है उसको करने से टेम्पररी रोक दिया है कि अभी आप जब तक कोर्ट का आगामी आदेश नहीं आ जाता है, या एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है कि 3 दिन तक 7 दिन तक, यानी न्यायालय ने एक स्पेसिफाइड टाइम तक किसी काम को करने से रोक दिया है। रोकना मतलब प्रिवेंट करना, एक काइंड ऑफ स्टे ऑर्डर। तो अस्थायी व्यादेश एक प्रकार का स्टे ऑर्डर होता है जो टेम्पररी होता है। दूसरा है सुविधा का संतुलन। कई बार कोर्ट में डिसीजन देते समय न्यायालय ये लिखती है कि सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है, कई बार ये लिखा जाता है सुविधा का संतुलन प्रतिवादी के पक्ष में। सुविधा का संतुलन का मतलब होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को हम सामान्य भाषा में यूं समझ सकते हैं कि जो पूरा मामला है उस मामले में वादी यानी किसी एक पक्ष के फेवर में यदि बातें प्रथम दृष्टया दिखती है या ऐसा लगता है कि यह जो मामला है वो किसी व्यक्ति के स्पेशल फेवर में है, यानी ज्यादा फेवर में है, यानी मामला उसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए न्यायालय निर्णय देते समय लिख देती है कि यह सुविधा का संतुलन इसके फेवर में, यानी एक कारण होता है जिसके पक्ष में निर्णय सुनाने का, एक कारण हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ रीजन फॉर डिसाइडिंग द केस। विवादग्रस्त संपत्ति, इसे हम वादग्रस्त संपत्ति भी कहते हैं। तो ये वादग्रस्त संपत्ति भी एक लीगल शब्द है। वादग्रस्त यानी वाद का मतलब होता है डिस्प्यूट, यानी यहां पे कोई केस चल रहा है किसी प्रॉपर्टी का, यदि केस चल रहा है तो वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कहलाती है। तो विवादग्रस्त संपत्ति को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कहा जाता है। जिस संपत्ति के बारे में कोई वाद चल रहा है, वाद यानी न्यायालय में कोई केस विचाराधीन है, तो उसे वादग्रस्त संपत्ति कहेंगे। अपूर्णीय क्षति, कई बार पार्टी न्यायालय में कहती है कि हमें अपूर्णीय क्षति होगी, तो ये अपूर्णीय क्षति मतलब ऐसी क्षति, इररिपेरेबल लॉस, इसे हम इंग्लिश में इररिपेरेबल लॉस कहते हैं, ऐसा लॉस जिसकी भरपाई अन्य किसी द्रव्य से पॉसिबल नहीं है, यानी अगर ये नुकसान हो गया तो ऐसी स्थिति को फिर वापस से अन्य तरीकों से उसकी भरपाई नहीं हो सकती, इसीलिए इसको अपूर्णीय क्षति कहा जाता है। सिविल मामलों में अपूर्णीय क्षति यानी इस वर्ड का, इररिपेरेबल लॉस का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, स्पेशली स्पेसिफिक रिलीफ के केसेस में। पीठासीन अधिकारी, कई बार यह शब्द आता है कानूनी पीठासीन अधिकारी, तो हुई पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। पीठासीन अधिकारी जो मुख्य है, जो मुखिया है, मान लीजिए 3 जजों की बेंच है, तो 3 जजों में एक जज जो होता है वो पीठासीन हो जाता है। पीठासीन मतलब वो मुख्य है, बाकी 2 जो है उसके सबऑर्डिनेट है। हम सभी लोगों ने इलेक्शन कमीशन के बारे में सुना है, निर्वाचन आयोग भी ट्राई मेंबर कमेटी होती है जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं, तो ये जो अध्यक्ष हैं ये पीठासीन अधिकारी हो जाते हैं। उपभोक्ता फोरम में भी आपने देखा होगा एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं, तो जो अध्यक्ष हैं वो पीठासीन अधिकारी हो गए, यानी मुख्य अधिकारी। पीठासीन का मतलब होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कटघरे, कटघरे, ये कटघरा का मतलब होता है कट यानी लकड़ी और घरा लकड़ी का घर, तो कटघरा यहां पर विटनेस बॉक्स के लिए कहा जाता है। न्यायालय में आपने देखा होगा गवाह जब गवाही देता है तो उसके लिए एक बॉक्स बनाया जाता है, सामान्यतः वो लकड़ी का होता था इसलिए उसको कटघरा बोलते हैं, आजकल तो कोर्ट में लोहे का कटघरा होता है, तो इस प्रकार कटघरे को विटनेस बॉक्स बोलते हैं। यहां पर आकर विटनेस जो है जज के सामने उस केस के बारे में कथन करता है, यानी स्टेटमेंट करता है। उपसंजाति,
उपसंजाति का मतलब होता है अपीरियंस, अपीरियंस मतलब किसी व्यक्ति की अपीरियंस, यानी पक्षकार की, साक्षी की न्यायालय में उसको अपीयर करवाना, न्यायालय में उसको उपस्थित रखना, इसी को उपसंजाति कहा जाता है। सत्र विचारण, ऐसा विचारण जो सत्र न्यायालय में चल रहा है, यहाँ उसकी सेशन ट्रायल चल रही है। सेशन ट्रायल वो ट्रायल होती है जिसमें आजीवन कारावास, मृत्युदंड और 7 साल से ज्यादा की सजाएं होने वाली है। तो जो गंभीर मामले होते हैं वो सत्र न्यायालय के सामने मामले चलते हैं, और सत्र न्यायालय के सामने यदि सुनवाई हो रही है तो उसे सत्र विचारण कहते हैं, सेशन ट्रायल कहा जाता है इसे। व्यतिक्रम, एक शब्द यूज होता है व्यतिक्रम, व्यतिक्रम का मतलब होता है डिफॉल्ट, यानी व्यक्ति ने कुछ डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट का मतलब होता है व्यक्ति का कोई दोष हो गया है, यानी व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ की है। तो डिफॉल्ट का मतलब है जो उसे काम करना चाहिए था उसने नहीं करा, तो व्यतिक्रम यानी डिफॉल्ट, तो इसे हम कहेंगे व्यक्ति द्वारा की जाने वाली त्रुटि। घोर उपेक्षा, घोर उपेक्षा का मतलब होता है एक व्यक्ति ने जो निग्लिजेंस की है उस निग्लिजेंस को टाला नहीं जा सकता है, लापरवाही, घोर लापरवाही करना, इसी को घोर उपेक्षा भी कहा जाता है। समुचित प्रक्रिया, कई बार न्यायालय आदेश देती है समुचित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, विधि की समुचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, तो समुचित प्रक्रिया को यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस मतलब कानून द्वारा बताई गई प्रक्रिया को समुचित प्रक्रिया, यानी कानून ने एक प्रक्रिया स्पेसिफिकली मेंशन की है, उस प्रक्रिया का पालन होना जरूरी होता है, इसी को समुचित प्रक्रिया कहा जाता है, यानी न्यायालय द्वारा मान्य मानक प्रक्रिया भी, हम इसको स्टैंडर्ड प्रोसेस भी कह सकते हैं। अपास्त, एक और वर्ड है अपास्त, न्यायालय ने निर्णय अपास्त किया, न्यायालय ने आदेश अपास्त कर दिया, तो अपास्त मतलब सेट असाइड, सेट असाइड को हम ये कह सकते हैं कि डिसमिस कर दिया, उसे खारिज कर दिया, उसे रद्द कर दिया, तो रद्द कर देने को ही अपास्त कहा जा सकता है, इसको इंग्लिश में सेट असाइड कहते हैं। परीक्षण न्यायालय, कई बार इस शब्द आता है कि परीक्षण न्यायालय ने यह पाया कि, या परीक्षण न्यायालय द्वारा यह बताया गया कि, तो परीक्षण का मतलब होता है विचारण न्यायालय, ऐसा न्यायालय जिसके सामने पूरी सुनवाई चल रही है उसी न्यायालय को परीक्षण न्यायालय कहा जाता है। परीक्षण को हम कहेंगे ट्रायल कोर्ट, हम इसे ट्रायल कोर्ट भी कह सकते हैं। अनदर वर्ड इज बहस, ये तो कॉमन शब्द है, बहस की वकील ने बहस की, अधिवक्ता द्वारा वादी के पक्ष में बहस की गई, न्यायालय ने बहस सुनी, तो ये बहस क्या होता है, तो बहस मीन्स आर्ग्यूमेंट, जब मामला, जब सुनवाई पूरी हो जाती है तो किसी एप्लीकेशन पर, या जो पूरी सुनवाई हुई है, गवाहों के परीक्षण हुए उसके ऊपर न्यायालय के सामने अपने तर्क प्रस्तुत करना, आर्ग्यूमेंट करना, इसी को कहा जाता है, इट इज कॉल्ड बहस। प्रत्यर्थी, अनेक मामलों में जो रिस्पोंडेंट होते हैं उन्हें प्रत्यर्थी भी कहा जाता है। रिस्पोंडेंट मतलब जिसके खिलाफ केस लगाया गया, जो नॉन एप्लीकेंट है, ये सारे लोग प्रत्यर्थी भी होते हैं। प्रत्यर्थी का मतलब होता है रिस्पोंडेंट्स, हमने ये वर्ड सुना होगा। यथास्थिति, न्यायालय ने यथास्थिति के आदेश जारी किए, यथास्थिति अगेन स्टे, स्टेटस क्यो कहा जाता है यथास्थिति को, स्टेटस क्यो मतलब जो जैसा है वैसा ही रहे, यानी वैसी की वैसी स्थिति बनी रहे, सारा जो मामला है वैसा का वैसा रुक जाए, तो इसको यथास्थिति आदेश कहा जाता है। परिसीमा, परिसीमा का मतलब होता है एक लिमिटेशन, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन मतलब एक मर्यादा होती है, उस लिमिट के बाहर कोई व्यक्ति जाएगा तो वो काम अवैधानिक हो जाएगा, तो इसीलिए परिसीमा शब्द का इस्तेमाल होता है। यहां पर परिसीमा का मतलब टाइम पीरियड भी होता है, एक टाइम होता है, हर चीज का एक समय निर्धारित किया गया है, उसी को परिसीमा भी कहा जाता है, इट इज कॉल्ड लिमिटेशन। प्राधिकार, हम अधिकार शब्द तो बहुत सुनते हैं, अधिकार को राइट बोलते हैं, लेकिन प्राधिकार मतलब अथॉरिटी, यानी कानून ने यह अधिकार दिया है तो वो व्यक्ति प्राधिकार हो जाता है, प्राधिकारी हो जाता है, अथॉरिटी हो जाता है, तो कानून द्वारा शक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्राधिकारी हो जाता है, इसीलिए प्राधिकार का मतलब होता है अथॉरिटी। पारिश्रमिक, इट्स वेरी कॉमन वर्ड, सर्विस लॉ में इसका इस्तेमाल होता है। पारिश्रमिक मतलब रेम्यूनरेशन, यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किसी के लिए किया है तो उसको प्रतिफल स्वरूप एज अ कंसिडरेशन जो कुछ मिल रहा है उसे पारिश्रमिक कहा जाता है। ये वेतन भी हो सकता है, मजदूरी भी हो सकता है, भत्ता भी हो सकता है। अनदर वर्ड इज निस्तारण, मामले का निस्तारण किया गया, तो मामले का निस्तारण मतलब डिस्पोजल, मामले को समाप्त किया गया, डिस्पोजल मतलब उसको सुनवाई करके समाप्त कर देना, तो डिस्पोजल का मतलब होता है मामला समाप्त हुआ, भले वो सुनवाई के बाद हुआ हो या कोई पार्टी एब्सेंट रही हो तो एक्स पार्टी भी हो जाता है, तो निस्तारण मतलब मामले को सुनकर सुनवाई, उस मामले की सुनवाई करके उस पर आदेश या निर्देश पारित किए गए। तो ये है मित्रों कुछ वर्ड, अस्थायी व्यादेश, सुविधा का संतुलन, विवादग्रस्त संपत्ति, अपूर्णीय क्षति, पीठासीन अधिकारी, कटघरा, उपसंजाति, सत्र विचारण, व्यतिक्रम, घोर उपेक्षा, समुचित प्रक्रिया, अपास्त, परीक्षण न्यायालय, बहस, प्रत्यर्थी, यथास्थिति, परिसीमा, प्राधिकार, पारिश्रमिक और निस्तारण। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी
थैंक यू सो मच।